हे गाइज, नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और गाइज, आज हम लोग चैप्टर एक का जो है एनसीईआरटी न्यूमेरिकल का लास्ट पार्ट है। इसमें जितने एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए गए थे वो लास्ट है। आपके 22 क्वेश्चन दिए गए थे, वो हमने सॉल्व कर लेंगे आज। और गाइज, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले, गाइज आप लोग इस सेशन को ज़बरदस्त अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर सेशन आपको पसंद आए तो जाते जाते क्लास को अटेंड करने के बाद या आप इसको क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम को गंवाए हुए। तो गाइज, आज आपका जो 19 नंबर क्वेश्चन है, इससे पहले जितने क्वेश्चन थे 18 क्वेश्चन जो हमने कराए हैं, वो आपको इससे प्लेलिस्ट में आपको पार्ट वाइज पार्ट आपको मिल जाएगा गाइज, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। अब आपका क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि घन के केंद्र पर बिंदु आवेश है, कोई घन है और उस घन के केंद्र पर 0.2 माइक्रो कूलाम का आवेश है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेटा लिखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो भाई Q का मान, 19 नंबर क्वेश्चन है और Q का मान दे रहा है 0.2 माइक्रो कूलाम। तो भाई माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करेंगे, 0.2 × 10⁻⁶ कूलाम। इतनी बातें क्लियर हुई। आगे कर रहा है गौसियन पृष्ठ की भुजा से 9 सेंटीमीटर। तो भाई गौसियन की पृष्ठ की भुजा 9 सेंटीमीटर से होकर जाने वाले नेट वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना। तो नेट वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई का मान ज्ञात करना है, फाई ई का मान ज्ञात करना है और 9 सेंटीमीटर भुजा के पृष्ठ से। तो फाई ई का मान ज्ञात करना, तो हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻¹2। ठीक, ये होता है मान, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है। तो भाई फाई ई का मान आपको पूछ रहा है, तो कौन से किनके नियम से लगाओगे, गॉस के नियम से। किनके नियम से, गॉस के नियम से। किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो Q बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और Q का मान कितना है, Q का मान है 0.2 × 10⁻¹ और एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 × 10⁻¹². ठीक गाइज, आप ध्यान से समझिएगा। आप इसको पावर से, पावर इसे कैंसिल करोगे तो यहाँ −6 था, यहाँ −6 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ −6 बच जाएगा। ऊपर कितना बचा है, 0.2 × 8.85 × 10⁻¹ बचा था, ये चीज़ ऊपर चला गया तो ये क्या हो गया, 10⁻⁶ हो गए गाइज। अब क्या करेंगे, आप इसको आप हल करोगे, तो हल करने के बाद जो आपका आंसर आएगा गाइज, इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद 0.0225। तो गाइज इसको हर का आप जब डिवाइड करोगे तो 0.0225 आएगा × 10⁶। ठीक, अब क्या करना है, आप देखिएगा यहाँ से हम इस पॉइंट को दो अंक इधर प्रतिस्थापित करेंगे, यानी ये पॉइंट एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, यानी दो अंक प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो भाई जब पॉइंट को हम लोग इधर की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ दो अंक ले गए तो दो ठो पावर यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 दशमलव, पॉइंट यहाँ ले आए हैं तो 2.25 × 10⁻¹ कितना आ गया, 4, ये फाई ई का मान आ गया, टोटल वैद्युत फ्लक्स का मान आ गया। तो वैद्युत फ्लक्स का मान कितना आ गया, फाई ई का मान इतना आ गया गाइज। तो इस प्रकार जो आपका 19 नंबर क्वेश्चन था वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आपका जो 19 नंबर क्वेश्चन था कि भाई घन के फ्लक्स से जो है पूरा वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो पूरा वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू ये होगी गाइज। फिर हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछना चाह रहा है। पहले सवाल को हम लोग कंप्लीटली पढ़ने का प्रयास करते हैं कि भाई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गोलीय गौसियन पृष्ठ के केंद्र पर बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स इतना है। यानी कोई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है, इसको मूव करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। इस बार जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वो ये है, कह रहे हैं कि जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गोली गौसियन पृष्ठ है, तो मान लेते हैं कि ये कोई गोली गौसियन पृष्ठ रहा होगा,
ठीक, ये कोई गोली गौसियन पृष्ठ रहा होगा, इसके अंदर क्यों आवेश है, ये गौसियन पृष्ठ है ये, और इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है। आगे कर रहा है गौसियन के पृष्ठ के केंद्र पर कोई बिंदु आवेश, ये कोई बिंदु आवेश है, इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स, तो उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स फाई ई, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर कितना दिया है, फाई ई बराबर 1×10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये फाई का मान दिया है। उसी में अब आगे कर रहा है यदि गौसियन पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो पहला क्वेश्चन, यदि पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर दें, क्या कर दें भाई, त्रिज्या दुगुनी कर दें तो वैद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वैद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वैद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, नहीं पड़ेगा। ठीक, अब क्यों नहीं पड़ेगा, यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि भाई पहले त्रिज्या 10 सेंटीमीटर थी, अब 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर कर दिए तो वैद्युत फ्लक्स बढ़ जाना चाहिए। तो गाइज आप जानते होंगे कि जो गॉस थे वो बताए थे कि जो फाई ई होता है वो प्रोपोर्शनल होता है क्यू के, और जो फाई ई होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/ε0 के, यानी जो फाई ई के मान पे तब बदलाव होगा जब आवेश का मान बदलेगा या निर्वात की विद्युतशीलता का मान बदलेगा। तो क्या यहाँ कहीं त्रिज्या आई है, नहीं तो हम बता देंगे, क्योंकि जो वैद्युत फ्लक्स होता है, चूंकि वैद्युत फ्लक्स त्रिज्या पे निर्भर नहीं करती, चूंकि वैद्युत फ्लक्स त्रिज्या पे निर्भर नहीं करती, त्रिज्या पे निर्भर नहीं करती, ये आपका पहला पार्ट हो गया। फिर दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, दूसरा पार्ट पूछा है बिंदु आवेश का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, बिंदु आवेश का मान। तो भाई गॉस के नियम से गॉस का नियम क्या कहता है कि फाई ई बराबर Q/ε0, आपको क्यू का मान ज्ञात करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू बराबर आ गए फाई ई इंटू Ε0। अब फाई ई का मान रखते हैं तो फाई ई का मान कितना है 1×10³ इंटू Ε0, तो Ε0 का मान 8.85×10⁻¹² होता है, तो 8.85 का गुणा एक में कर देंगे तो वही आएगा 8.85×10³ है और ×10⁻¹², 12 में से 3 घट जाएगा तो 9 आ जाएंगे 8.85×10⁻¹9, तो ये क्यों आ गए, ये आ गए कूलाम। तो भाई बिंदु आवेश का जो मान था, ये पृष्ठ के अंदर जो आवेश रखा गया था उसका मान है 8.85×10⁻¹9 कूलाम। तो इस प्रकार गाइज आपका 20वां सवाल जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो भी कंप्लीट हो जाता होगा। उम्मीद करते होंगे कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फिर हम लोग आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलें 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई चालकी गोले पर एक अज्ञात आवेश है। ये मान लीजिए ये आपका क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गोली चालक है जिसके अंदर ये अज्ञात आवेश क्यों है, समझिए। फिर गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो भाई गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 20 सेंटीमीटर हो गया, ये गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, इस पे जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है ई, वो कितना है 1.5×10³ न्यूटन प्रति कूलाम। भाई इस बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये इतना है, जो कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, वो अंदर की ओर संकेत करता है, यानी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो इधर की तरफ है, इधर की तरफ, यानी जो ये, जब आप एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ है तो ये धनात्मक आवेश नहीं है, ये कौन सा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। यदि धनात्मक आवेश रहा होता
तो ये जो है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ है वो बाहर की तरफ होता। तो गाइस ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा, यदि पृष्ठ के अंदर ऋणात्मक आवेश रहेगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ होगी, यदि पृष्ठ के अंदर जो है धनात्मक आवेश रहेगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होगी। गाइस तो ये ई का मान इतना हो गया, इसको मूव करते हैं तब आगे की चर्चा करते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का ई का मान आपको दिया गया है और ये है क्यू का मान ये है। देखिए क्या कर रहा था, जानते हैं कि जो 21 नंबर क्वेश्चन हो कर रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है जिसपे एक अज्ञात आवेश है क्यू है, ठीक। ये अज्ञात आवेश क्यू है, इसी क्यू का मान ज्ञात करना है। और भाई गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, ठीक। आगे कर रहा अंदर की ओर संकेत कर रहा, तो अंदर की ओर संकेत कर रहा अर्थात ये क्यू ऋणात्मक आवेश है, ये क्यू क्या है ऋणात्मक आवेश है। तो भाई गोले पर नेट आवेश ज्ञात करना है, तो गोले पर नेट आवेश यानी क्यू का मान ज्ञात करना है। तो हम फार्मूला क्या उपयोग करने वाले हैं, हम जानते हैं कि गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो फार्मूला होता है ई बराबर 1/4πε0Q/r2। तो क्या करते हैं, इतने पूरे का मान आप जानते होंगे 9×10⁻⁹ होता है, 9×10⁻⁹ और ये आगे Q/r2। हम Q का मान चाहिए, हमको किसका मान निकालना है, Q का मान। तो आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये सारे तीनों चीज़ इधर आ जाएंगे, Q×9×10⁻⁹ इन सब का एक से मल्टीप्लाई और बाकी E इंटू कितना आ गया r2। अब इधर से इनको इधर कर देते हैं, Q बराबर E इंटू r2/9×10⁻⁹। भाई E का मान रखते हैं, E का मान कितना है 1.5×10³ और r कितना है, r है 20×10⁻²² और पूरे के बटे कितना है 9×10⁻⁹। ये क्यू का मान है, ठीक। अब देखिए क्यू बराबर कितना आ गया, अभी 1.5 आ गया, यहाँ पर 10³ है × 10⁻³, इसको बाद में लिखते हैं, 20 का गुणा दो बार करेंगे तो आ गया 400। भाई फिर 10⁻²² 4 तो 10⁻⁴ और ये कितना है 10³, ये 10⁻³ कितना है 3, ऊपर कितना है नीचे कितना है भैया 9×10⁻⁹। ये देखिए अब क्या करेंगे कि आप इसको कैंसिल कर दोगे, देखिए ये 9 ऊपर ये 3 ठो इनको काट देंगे तो यहाँ 6 बच जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 6, तो यहाँ 10⁻⁶ जब काटने पर 3 ठो कम हो गए 10⁻⁶ बच गया। और ये देखिए ये पॉइंट काटे 10 यहाँ पर लग गया, तो अगली स्टेप में क्या बचा 15। अब देखिए 15 कितना है 90 है और ये गुड़े कितना है 400 है, × 10⁻⁴ और ये 10⁻⁶ ऊपर चला जाएगा 10⁻⁶ हो जाएगा। अब भाई 15×15, 15×6, 90 ये आ गए, ठीक। तो कितना बचा, अब ये आ गया 400×6 और ये 6×4 कितना हो गया 10। ये बातें समझ में आई, अब 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6×6, 36, फिर भैया बचा कितना 4, फिर 6×6, 36.6 यानी 66.6×10⁻⁶। पॉइंट एक अंक हम लोग इधर ला देते हैं, पॉइंट एक अंक इधर लाएंगे कितना आ जाएगा 6.66×, यहाँ से एक खुकम 10⁻⁹ कितना हो जाएगा 9, एक बढ़ जाता है वही मतलब 9 हो जाएगा, तो ये क्यू का मान आ गया। तो 6.66×10⁻⁹ कूलाम इसका मान आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो कंप्लीट हो जाता है। तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तो फिर हम लोग 22 की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, एक समान आवेशित चालकी गोले का व्यास 2.4 मीटर है, व्यास कितना दिया गया 2.4 मीटर। भाई व्यास कितना है 2.4 मीटर, तो व्यास जब इतना है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे दो। तो व्यास कितना है 2.4/2, कैंसिल कर दोगे 1.2 मीटर, तो त्रिज्या क्या हो गई 1.2 मीटर। आगे कह रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व आप जानते हैं किससे व्यक्त करते हैं, सिग्मा से। आवेश का पृष्ठ घनत्व
सिग्मा बराबर आपको दिया है, कितना दिया है, सिग्मा बराबर आपको दिया 80 माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, तो भाई माइक्रो को हम लोग चेंज कर देंगे 10^-6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, तो माइक्रो को कूलाम में चेंज कर दिए, 10^-6 हो गए। तो पहला क्वेश्चन पूछा है गोले पर आवेश। ठीक, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, गोले पर आवेश का मान ज्ञात करना है। तो अब आप बताइए गोले पर आवेश का मान ज्ञात करना, तो आप फार्मूला जानते हैं गोले आप कैसे लगाएंगे, तो भाई हम जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो गोले पर आवेश बराबर क्वेश्चन मार्क, तो हम जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए। भाई सिग्मा का मान आपको दिया है 80 10^-6 बराबर क्यू, क्यू तो आपको ज्ञात करना है। अब ए कहाँ से आए, ए आप निकालोगे, क्या दिया है, एक समान आवेशित चालकी गोले का व्यास, तो भाई गोला दिया है तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको यहाँ निकालना पड़ेगा। तो हम लोग इसको यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ए जो होता है गोले का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो ये आ गए 80 10^-6 बराबर क्यू, पाई का मान कितना होता है, भाई पाई का मान हम लोग यहाँ रखेंगे, कितना रखेंगे, 3.14, और आर का मान कितना है, 1.2 का होल स्क्वायर, ये हो गए। अब हम लोग को क्यू का मान ज्ञात करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, 80 इनका गुणा इनसे 80 × 3.14 गुणे ये है 10^-6 और 1.2 का 2 बार गुणा, तो भाई 1.2 का गुणा कर देंगे तो इनका होल 2 बार गुणा करेंगे तो 1.44 आ जाएगा। आप इनको हल कीजिएगा, तो इनको हल करेंगे तो हल करने के बाद आपको क्या आंसर आएगा सर, तो भाई इनको हल करने पर क्या मिल गया, 1.4 × 10^-3 कूलाम। भाई इनको आप हल करोगे, ये हल करना आपका काम है। गाइज अगर आप हल कर सकते हैं तो हल जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमने सर हल किए थे, हल करके आंसर लाए थे, ये आपके ऊपर छोड़ के रखते हैं। ठीक, तो आप ये है 22 नंबर का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या पूछ रहा है, गोले के पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसी में दूसरा पार्ट क्या पूछा है कि गोले के पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो भाई वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू का मान कितना है, 1.4 × 10^-3 और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10^-12। भाई ये 12 तीन ठो यहाँ काट देंगे तो 1 3 कट जाएगा, 10^-, कितना बचेगा, 9, तो 1.4 × 8.85 यहाँ × 10^-9, ये ऊपर चला जाएगा भाई, 10^-9 ऊपर चला जाएगा, 1.4 × 8.85 × 10^+9, ये −9 चले गए, प्लस हो गए, इनको भाग देंगे तो भाग देने के बाद आपका क्या आंसर आएगा, देखिए क्या आंसर हो, लास्ट में दिया है 1.6 × 10^8। ठीक, तो भाई इनको हल करोगे तो 1.6 × 10^8 ठीक न्यूटन मीटर इसका प्रति कूलाम, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएंगे इस प्रकार। तो ये भी आपका जो दूसरा पार्ट क्वेश्चन पूछ रहा था वो आपका आंसर ये आ गया, ये पहले पोर्शन का है, ये दूसरे पोर्शन का है। तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो इसी सवाल के साथ आपकी एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी का जितने अभ्यास दिए गए थे वो आपके अभ्यास कंप्लीट रूप से हमने हल करा दिए हैं गाइज। तो आपके थ्योरी भी पूरे कंप्लीट हो गए, न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गए। तो गाइज अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर की चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो है दोस्तों के साथ ज़बरदस्त इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि जैसे आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है वैसे आपके दोस्त फ्रेंड के लिए सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।